हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गेट एग्जाम के बारे में। जो न्यू अपडेट्स आया है गेट एग्जाम को लेकर, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। गेट ये डाउट होगा कि गेट एग्जाम क्यों कंडक्ट किया जाता है। द मेन पर्पज ऑफ द गेट एग्जाम इज टू टेस्ट स्टूडेंट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर अंडर ग्रेजुएट लेवल सब्जेक्ट्स इन इंजीनियरिंग एंड साइंस। तो इंजीनियरिंग करते वक्त 4 साल में आपको जो भी सब्जेक्ट थे उसके रिलेटेड जो भी आपको नॉलेज गेन किया है, वो सब टेस्ट करने के लिए गेट एग्जाम कंडक्ट की जाती है। कि आपने सिंसियरली पढ़ाई की है या नहीं की है, वो सब टेस्ट करने के लिए गेट एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है। बेसिकली आपको और इन्फॉर्मेशन दो तो 3 आवर्स का गेट का एग्ज़ाम होता है पर ईयर, एक बार वो एग्ज़ाम होता है एंड फरवरी में 1st या 2nd वीक में वो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। अब देख लेते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गेट एग्ज़ाम। पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग एडमिशन। अगर आपको इंडिया के टॉप कॉलेज में एडमिशन करना है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो आपको गेट एग्ज़ाम के लिए अपियर होना पड़ता है। अगर आपकी गेट एग्ज़ाम की रैंकिंग 200 से कम आती है तो आपको IITs एंड IISc में एडमिशन मिल जाता है। मेन पर्पस गेट एग्ज़ाम का यही है। अगर आपको फर्दर एजुकेशन करना है, वो भी रेपुटेड कॉलेज से इंडिया के, तो आपको गेट एग्ज़ाम अपियर करनी होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बैचलर डिग्री होल्डर्स इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम। चलो अभी हम हमारे मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। गेट एग्जाम में जो चेंजेस हुए हैं 2021 में, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप फर्दर स्टडीज करने की सोच रहे हो या गेट एग्जाम देने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं आशुटॉक्स यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो मेरे चैनल पर, मैं एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए मेरा चैनल काफ़ी यूजफुल हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 2020 में गेट एग्जाम होने वाला है एंड अभी कोरोना आउटब्रेक चल रहा है, तो इसी सिचुएशन में कुछ न्यू अपडेट्स लेकर आए हैं गवर्नमेंट। तो गाइस, इस बार IIT बॉम्बे की तरफ से गेट एग्जाम अनाउंस हुआ है एंड और भी मेजर चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट मेजर चेंज आता है, इस बार की गेट एग्जाम एज यूजुअल फरवरी में होने वाली है, 5 to 7 एंड 12 to 13, इसी बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये एग्ज़ाम डेट्स है, ये इस टाइम पे एक्सटेंड इसलिए की गई है डेट्स ताकि सब कंफर्टेबल हो एग्ज़ाम देने में, स्टूडेंट्स हो, इन्विजिलेटर हो, सबको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए, इसलिए डेट एक्सटेंड की गई है। नेक्स्ट चेंज आता है सब्जेक्ट रिलेटेड, तो ये बहुत बड़ा चेंज है। 2 new subjects एडिशनल ऐड हुए हैं हमारे गेट एग्ज़ाम में। फर्स्ट आ जाता है इन्वायरमेंटल साइंस, सेकेंड आता है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, तो ये 2 subjects ऐड हुए हैं। थर्ड चेंज जो है वो बहुत मेजर चेंज है, अभी तक का आप सबसे बड़ा चेंज कह सकते हो इसको गेट एग्जामिनेशन में। इसके पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो ऐसा था, या तो आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो या तो आप 4th ईयर में हो, तभी आप गेट की एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन इस बार टोटली चेंज हो गया है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 3rd ईयर। अगर आप 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हो या आप 3rd ईयर में अभी न्यू एडमिशन हुआ है आपका 3rd ईयर में, तो भी आप गेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। ये आपका लोएस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है। तो मैं बात कर लेता हूँ कि ये क्यों किया गया है। तो जैसे कि स्टूडेंट के बारे में सोचते हुए गवर्नमेंट ने सोचा है कि जैसे अगर हम एक बार एग्ज़ाम देते हैं तो हमें उसके बारे में एग्ज़ाम के बारे में पता चल जाता है, एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाता है कि एग्ज़ाम कैसा होता है, क्वेश्चन पता चल जाते हैं और एक बार एक्सपीरियंस आ जाता है बेसिकली बोला जाए तो। तो अगर हम 3rd ईयर में गेट का एग्ज़ाम के लिए अपेयर होते हैं तो हमें 4th ईयर का गेट एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से दे सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम कैसा होता है तो हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। जो भी गलती हम 3rd ईयर के एग्ज़ाम में करते हैं वो फिर 4th ईयर के गेट एग्ज़ाम में हम नहीं करेंगे। तो यही चीज़ इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 3rd ईयर से कर दिया गया है। तो यही था मेन अपडेट, यही बात आपको बताना चाहता था मैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए लेकर आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, जो भी आपके इंजीनियर फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए और उन्हें भी इस अपडेट से वाकिफ करवाइए। थैंक यू।